पिछले कई दिनों से ये देखा जा रहा है कि सरकार में शामिल दोनों दलों जेडीयू और बीजेपी की हर मुद्दे पर अलग अलग राय है। हद तो तब हो गई जब कैबिनेट के माननीय मंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय से भी अलग अपनी राय रखते हैं। तो भला ये सरकार चल कैसे रही है जब सरकार में शामिल दलों के बीच में ही हर मुद्दे पर अलग अलग राय है, हर विषय पर अलग अलग राय है, तो फिर ये सरकार कैसे चल रही है? विवादित मुद्दों से अब आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी ऊब गए हैं बीजेपी से। अब ये दिन दूर नहीं जब सरकार में शामिल ये दोनों दल ही अलग हो जाएं। तो जिस तरह से बीजेपी के बोल बुलडोजर और लाउडस्पीकर पर बहुत तेज हो रहे हैं, हो सकता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी बीजेपी के भोपू लाउडस्पीकर को ही बंद कर दें। बोचहा में तो तेजस्वी यादव जी ने बीजेपी के ऊपर बुलडोजर चला ही दिया है। तो इसलिए अब सरकार की ये जो नैया डगमगा रही है, ये स्पष्ट दिख रही है कि हर मसले पर सरकार में शामिल दलों के बीच राय अलग अलग है। तो अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को फैसला लेना है कि बीजेपी के इस खतरनाक डिजाइन को वो बर्दाश्त करेंगे या फिर मुद्दे की बात होगी, बिहार के हक हकूक की बात होगी, बिहार की बेहतरी की बात होगी, तरक्की की बात होगी, बिहार की खुशहाली की बात होगी। विशेष राज्य का दर्जा कब देंगे बीजेपी वाले ये नहीं बता रहे, 19 लाख रोजगार पर बात नहीं करते, महंगाई कब कम करेंगे, भ्रष्टाचार अपराध पर बात नहीं करते। तो ये बुलडोजर लाउडस्पीकर लेकर घूम रहे हैं, इनका लाउडस्पीकर भी जब्त होगा बीजेपी का। कुछ दिनों का और समय इंतजार कीजिए, सब चीज़ स्पष्ट हो जाएगा। ये बीजेपी वाले सारे बुलडोजर और लाउडस्पीकर इनका धरा का धरा रह जाएगा जब ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे। ये कार जो चल रहा है, क्या कुर्सी और टोपी का खेल चल रहा है क्या? देखिए, ये सर्वधर्म में विश्वास करने वाले लोगों का देश है, ये देश चलेगा अपने नियम कानून संविधान से, ना कि नागपुर के नियम कानून संविधान से, बीजेपी आरएसएस के नियम कानून से। यहाँ तिलक भी लगाएंगे, टोपी भी पहनेंगे, यहाँ नवाज भी पढ़ेंगे, अजान भी पढ़ेंगे, यहाँ रामायण भी पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे, शंख भी बजाएंगे, घंटी भी बजाएंगे, लाउडस्पीकर भी बजाएंगे, भजन कीर्तन भी होगा, बाइबिल भी पढ़ेंगे, ग्रंथ भी पढ़ेंगे गुरुद्वारे में। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, ये संदेश है, ये मूल मंत्र है। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी देश की जो भावना है, जो संविधान की भावना है, आत्मा है, उसी से छेड़छाड़ करना चाह रही है। ये संभव नहीं है, किसी कीमत पर नहीं है। यहाँ टीका भी लगाए हैं, टोपी भी लगाएंगे, सभी धर्मों का सम्मान है, मुद्दे की बात होनी चाहिए जिसमें पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई सुनवाई कार्रवाई, जो तेजस्वी यादव लड़ रहे लड़ाई।